सो so फ्रेंड्स अब है चैप्टर नंबर टेन जो कि तीन एमसीक्यू आने वाले हैं और तीन मार्क का क्वेश्चन यानी मार्क का और दोनों मिला के हो जाते हैं पंद्रह मार्क के यानी फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मार्केट्स तो चलिए शुरू करते हैं और टाइम पीरियड हमारे पास मिनट्स का है तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम लोग की फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है कितने तरह की फाइनेंशियल मार्केट्स होती है वो डिस्कस कर लेते हैं तो सबसे पहले दो तरह की हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स होती है पहला है हमारा शॉर्ट टर्म फंड्स रिक्वायरमेंट के लिए यानी कि मनी मार्केट तो मनी मार्केट क्या होती है ध्यान से पढ़ते हैं वन लाइन में यानी एमसीक्यू में आप क्रैक कर लें इट इज अ मार्केट ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स व्हिच डील इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मेच्योरिटीज अप टू वन ईयर यानी जितने भी वन ईयर तक के मैच्योरिटी पीरियड वाले आपको फंड्स आप चाहिए वो कहां से मिलेंगे मनी मार्केट से और अगर आपको लॉन्ग टर्म चाहिए वो कहां से मिलेंगे कैपिटल मार्केट से यानी कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट फॉर मीडियम एंड द लॉन्ग टर्म फंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर होते हैं इसमें बैंक कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड फॉरन इन्वेस्टर्स पब्लिक एटसेट्रा Then, बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स कितने तरह की कैपिटल मार्केट्स होती हैं सबसे so, पहले बात करें तो टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स में आता है फर्स्ट प्राइमरी मार्केट और दूसरा रहेगा हमारा सेकेंडरी मार्केट प्राइमरी मार्केट कौन सी होती है ये वो मार्केट है जहां पर कि न्यू सिक्योरिटी को हम लोग सेल uh, करते हैं इट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एज फंडफर फॉर्म सरप्लस यूनिट्स टू द डेफिसिट यानी जो लोग पैसे सरप्लस लेके बैठे हैं उनको इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट उसको मौका देती है कि आप अपने फंड्स को यहां इन्वेस्ट कीजिए सिक्योरिटीज के अंदर शेयर डिवेंचर्स में और वहीं पर एक होती है सेकेंडरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट क्या होती है मार्केट वो है जो एग्जिस्टिंग या सेकंड हैंड सिक्योरिटीज के लिए यानी आपके पास ऑलरेडी शेयर्स हैं कोई आईपीओ नहीं है उनको सेल परचेज करने के लिए इट कंट्रीब्यूट्स इनडायरेक्टली फॉर कैपिटल फॉर्मेशन एट फंड्स आर एक्सचेंज बिटवीन द सरप्लस यूनिट्स ओनली यहां पर पहली बार हाउस होल्ड वगैरह से पैसे निकल के मार्केट में आते हैं स्टॉक मार्केट में लगते हैं और यहां पर सिर्फ रोटेट होता है फाइन तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट यानी फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज तो क्या क्या फंक्शन एग्जाम के एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सबसे पहला प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटबिलिटी ऑफ एक्जिस्टिंग सिक्योरिटीज ये हमने एमसीक्यू में भी कवर किया था वन ऑफ द फंक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट इज कि वो लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है और आप जब मर्जी जाके अपनी सिक्योरिटीज को सेल परचेज कर सकते हैं देन प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज सेफ्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ स्प्रेडिंग इक्विटी कल्ड यानी नॉलेज अबाउट द इक्विटी एंड द प्रोवाइडिंग द स्कोप फॉर स्पेक्युलेशन सो दीज आर वॉट यू कैन से दिक्स मेन मेन ऑफ जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है केड़ी बनकर के आता है छोटा क्वेश्चन आ सकते हैं तीन मार्क्स का कि क्या क्या फंक्शन होते हैं कोई भी दो के बारे में मेंशन कर देंगे और बोलेंगे अदर थ्री बताइए तो अच्छे से इसको नोट कर लो और कमेंट बॉक्स में लिख लो जैसे आप लिखेंगे ब्रेन को याद हो जाएगा एग्जाम में सेम टू सेम याद रहेगा कि यस yes, हमने वहां पर लिखा था फाइन नेक्स्ट बात करते हैं अब बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ट्रेडिंग प्रोसीजर का नॉर्मली क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते करते हैं पेपर में नहीं है बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि ट्रेडिंग प्रोसीजर पर भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको ध्यान से पढ़ते हैं सबसे पहले एग्रीमेंट विद ब्रोकर यानी आपने पहले कोई ब्रोकर अपॉइंट करना है और उसको उसके साथ आपकी डीलिंग स्टार्ट होती है और फिर डीमेट अकाउंट आपने ओपन करना है विद डिपॉजिटरी और यहां पर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको ऑर्डर प्लेस करना है और फिर बीच में मैचिंग ऑफ ऑर्डर है यहां पे एक स्टेप और आप ऐड करते हैं मैचिंग ऑफ ऑर्डर और जब मैच हो जाए तो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और अकाउंट सेटल हो जाएगा यहां पे जब आप अकाउंट ओपन करते हैं किसी डिपॉजिट के पास तो कहां ओपन करना पड़ता है या तो सी डी सी या फिर एन एस डी एल और क्या इनके फंक्शंस होते हैं चार हमारे यहां तीन हमारे फंक्शंस हैं पहले आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है इनके पास डीमेटलाइजेशन करनी है सिक्योरिटीज़ के या फिर रीमेटलाइजेशन भी कर सकते हैं तो ये इनके फंक्शंस हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है छोटा सा चैप्टर है बट इसके अंदर टेक्निकल चीजें ज्यादा है इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी क्या क्या ऑब्जेक्टिव है सेबी के पहला टू रेगुलेट द स्टॉक एक्सचेंज प्रोमोट दी ऑर्डरली फंक्शनिंग देन टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स

प्रोटेक्ट करना जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को देन जितने भी मैल प्रैक्टिस है उसको कंट्रोल कर प्रिवेंट करना एंड देन ए कोड ऑफ कंडक्ट और फेयर प्रैक्टिस को प्रोवाइड करना तो ये है हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी देन फंक्शंस एंड द दफंशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या क्या फंक्शन तीनों फंक्शन है एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा अभी आपने देखा होगा आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर सेवन था एलोकेटिव फंक्शन भी था तो यहां पे वो थोड़ा टेक्निकल था बट यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये एक तीन मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है यहां पर क्या क्या फंक्शन होते हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज के या सेबी के तो ये सबसे पहले आप देखेंगे सेबी का क्या है कौन कौन से हमारे फंक्शन से पहला रेगुलेटरी दूसरा डेवलपमेंट एंड तीसरा प्रोटेक्टिव फंक्शन तो तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले जहां भी रेगुलेटरी मतलब कि जहां भी बात आ जाए रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई फीस से रिलेटेड तो आप मान लीजिएगा ये क्या है रेगुलेटरी फंक्शन है यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स सब ब्रोकर्स रजिस्ट्रेशन ऑफ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स रेगुलेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर जहां भी रेगुलेशन आ गया यानी वो रेगुलेट कर रहा है ठीक है कॉलिंग फॉर द इफॉर्मेशन बाइ अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन चल रही है कंडक्टिंग इंक्वायरीज या ऑडिट चल रहा है ये वाला क्वेश्चन आ चुका है एमसीक्यू में लिविंग फीस एंड अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ द एक्ट जहां भी फीस चार्ज हो रही है वो रेगुलेटरी फंक्शन होगा परफॉर्मिंग एंड एक्सरसाइजिंग पार्टर ठीक है ये मेन बात है अब बात करते हैं हमारे डेवलपमेंट फंक्शन की डेवलपमेंट में क्या है यहां पर कोई एजुकेशन है ट्रेनिंग प्रोग्राम है रिसर्च वर्क है तो जहां भी ट्रेनिंग आ जाए इंटरमीडिएट्स का कोई रिसर्च आ जाए कोई मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय फ्लेक्सिबल अप्रोच तो यहां पे डेवलपमेंट कुछ आपको लग रहा है कि यहां पर यहां इसका फंक्शन है जहां से स्टॉक मार्केट डेवलप हो रही है तो किसी भी तरह से आपको पढ़ने के बाद कुछ ये नजर आए कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम हो रहा है वो वहां पर डेवलपमेंट फंक्शन होगा देन प्रोटेक्टिव यानी कंट्रोलिंग वाला पार्ट आ गया जहां पर कुछ कंट्रोल हो रहा हो जैसे प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेटेड प्रैक्टिस अगेन कुछ चीज कंट्रोल कर रहे हैं तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कंट्रोलिंग इन ट्रेडिंग यानी इंपोजिंग लाइब्रेट कोई भी ऐसी अंदर की इंफॉर्मेशन बाहर आ रही है जिसको मिस किया जा रहा है वो भी हमारा प्रोटेक्टिव आएगा टेकिंग स्टेप्स फॉर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन की बात आ रही है वो प्रोडक्टिव आएगा जहां नॉलेज की बात आ जाए वो डेवलपमेंट फंक्शन होगा प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिस एंड कंडक्ट ऑफ इन सिक्योरिटी मार्केट तो फेयर प्रैक्टिस भी प्रोटेक्टिव का पार्ट होगा तो ये तीन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको अच्छे से करके जाइए पॉज कीजिए और मैं कहना चाहूंगा स्टार्टिंग से इसको नोट्स बना लीजिए इसके क्योंकि मैं चाहता हूं इस चैप्टर टेक्निकल चैप्टर में आपके नंबर पूरे पूरे आए तो दो चीजों का डिफरेंस जरूर कर करके जाना मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस करके जाना तीन चार पॉइंट देन प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के तीन चार पॉइंट डिफरेंस करके जाना उसके बाद फंक्शंस अच्छे से प्लान कर लो इनके फंक्शंस के बारे में ये फंक्शन पढ़ के जाने और ट्रेडिंग प्रोसीजर के बारे में इक्रोनिक हम यूज करते हैं शॉप मेस यानी शॉप के अंदर मेस है एस तो वहां सिलेक्शन करना आपको ब्रोकर को ओ से ओपन करना डीमेट अकाउंट पी से प्लेसिंग ऑर्डर से मैचिंग ऑफ ऑर्डर से एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर एंड एस इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ठीक है तो ये सारे आप इसको लिख लो नोट कर लो और सारे पॉइंट्स मैं चाहूंगा इस चैप्टर के आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि ये चैप्टर टेक्निकल है जब आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा फिर हम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी चार ऑब्जेक्टिव्स रेगुलेट करना स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड करना प्रोटेक्ट करना राइट इन इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड प्रिवेंट द ट्रेडिंग एंड मैल प्रैक्टिस टू रेगुलेट द एंड प्रोवाइड अ कोड ऑफ कंडक्ट फेयर प्रैक्टिस ठीक है फिर रेगुलेटरी उसके बाद डेवलपमेंट एंड देन लास्टली टिव तो ये फुल फ्रेंट मैंने आपको बता दिया ये चैप्टर करते ही आपके सिक्स मार्क्स का पक्के हैं पिछला चैप्टर नाइन मार्क्स का था तो, तो पंद्रह में से पंद्रह आपको एश्योरेंस है और हाँ आई होप आपने तीनों मॉक पेपर कर लिए होंगे जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है मोर देन सेवेंटी एट्टी परसेंट पेपर वहीं से आने वाला है तो बार बार रिवाइज कर लो सोल्यूशन भी है पेपर्स भी हैं और फिर ये तो है टेन मिनट्स का क्विक रिविजन थैंक यू ऑल